हेलो गाइस, कैसे हैं पब्लिक। थोड़ा स्लो बात करना पड़ेगा। मम्मी लोग सोए हैं, सुबह के 6 बज गए और मैं 7 बजे घर से निकल रही हूँ बहुत ही अच्छा जगह जाने के लिए। सो कैसा है ना, मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगी कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली वहाँ पर जाके बताऊंगी। अरे लेकिन तुम लोग तो थंबनेल पहले ही देख लोगे ना, बट फिर भी मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगी। डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचूंगी ना तब बताऊंगी। सो मैं ना जब 9th 10th में थी ना, तब मेरे स्कूल से यहाँ पर हम लोग को लेके गए थे, पर तभी मुझे ना ये जगह देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि तभी कैसा ना हम लोग को पिकनिक देखना है, पिकनिक जाना है, पिकनिक 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 ये था, तो तभी ये सारी जगह देखने में ना इंटरेस्ट नहीं आता था। बट अभी आजकल के ज़माने में ये सारी जगह ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है, हम जैसे लोगों के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। सो गाइस, मैं यहाँ से अभी ना स्कूटी में जाने वाली हूँ, ठीक है। तो फेरी से नहीं, हम लोग बाय रोडवेज ही जाने वाले हैं वहाँ तक, क्योंकि फेरी से कुछ 100-200 के आसपास होता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम लोग ना उसमें नहीं जा रहे हैं। सो अभी कैसा है ना, मैंने हेलमेट रेडी कर लिया। मैं बाल को ऐसा छोटी बांधूंगी, क्योंकि हेलमेट के अंदर ना एकदम ये हो जाता है, तो बाल छोड़ नहीं सकती, ना ही मैं पोनी वोनी बांध सकती हूँ। हेलमेट ऐसा डालना होता है, मैं तुम लोग को बताती हूँ। मेरा हेलमेट ये मेरा हेलमेट है, तो ये पहन के जाने वाली हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि स्कूटी में जाने वाले हैं हम लोग, एंड मेरे को हमेशा से ना बाइक राइड्स बहुत पसंद है। तो मैं ना इतना रिग्रेट करती हूँ ना, मैंने फर्स्ट जन 2023 को ना बाइक राइड पे गई थी। कहाँ पे गई थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा, स्टैचू ऑफ यूनिटी गई थी, और इतना ज़्यादा मस्त था, और वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, जो मुझे आज भी बुरा लगता है। बट कोई ना, अभी हम लोग और ऐसे घूमेंगे तो और रिकॉर्ड्स करते जाऊँगी। सो लेट्स गो गाइस, आज इतना बड़बड़ नहीं करना है मुझे, तो वहाँ पे भी निकलना है। मेरे को नींद भी आ रहा है, बट फिर भी निकलना है वहाँ पे, ठीक है। गाइस हम लोग निकल गए हैं, फर्स्ट टाइम है हम लोग ओला में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब इतना दूर। इससे पहले ओला में यहीं कहीं गए हैं, और हम लोग हमेशा पेट्रोल वाली स्कूटी यूज़ करते हैं, बट आज फर्स्ट टाइम हम लोग गोल्डन पगोड़ा, इतना दूर। कितना किलोमीटर तक रोना, 36 जाने का, 36 आने का, तो 36 है रोड के हिसाब से, 36 है। थोड़ा सा टेंशन, हाँ मैप के हिसाब से 36 है किलोमीटर जाने का, 36 आने का। थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ओला लेके निकले, सो कुछ अटक वटक नहीं जाना चाहिए, उसका थोड़ा सा टेंशन है। बट लेट्स सी, मुझे लगता नहीं है होगा ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इतना भी दूर नहीं है गोल्डन पगोड़ा कि हम लोग यहाँ से पुणे निकल गए, ऐसा कुछ तो नहीं है। सो फिंगर क्रॉस अच्छे से जाके आते हैं। चलो गाइस, अभी पहुंच गए यहाँ से ना, यहीं पे पार्किंग करने बोला है, और फिर यहाँ से चल के ऊपर जाने बोला है। अभी मैं थोड़ा बाल बाल बना देती हूँ, एकदम अजीब सा हो गया है वो हेलमेट पहन के। सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से चल के निकल रहे हैं, पीछे यहाँ पे हम लोग ने बाइक पार्क कर दिया है। यहाँ से कुछ 5 मिनट का रास्ता है चल के जाने का। ओ मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ, थोड़ा देखो ना मैं कितनी मस्त लग रही हूँ। एक ही मेरे को ना ये होता है, जब भी बाइक पे आते हैं ना, तो ऐसे हाथ में हेलमेट पकड़ के चलना पड़ता है, और यहाँ पे ऐसा कोई मतलब मेरे को फैसिलिटी नहीं दिखा जहाँ पे हम लोग ऐसे अपने बैग ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। एंड स्कूटी में इतना जगह नहीं था कि दोनों का इतना बड़ा बड़ा हेलमेट आ जाए। बाप रे, इधर क्या ही शांति है, कितना मस्त लग रहा है। और नेचर में आते ही मैं ऐसे बहुत ज़्यादा अच्छी दिखने लग जाती हूँ, पता नहीं क्यों। सो अभी हम लोग यहाँ से हंस क्यों रहे हो? स्माइल कर रहा हूँ। अच्छा, स्माइल कर रहा हूँ, फिर ठीक है, मतलब वो एडमिट कर रहे हैं कि मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं। यहाँ पर ना सब ऐसे ना स्कूटर बोल रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं, साइकिल में आते सुबह सुबह के टाइम पे। अभी 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, और अभी यहाँ पे कितना हुआ है, 9 बजने के लिए 10 मिनट बचा हुआ है। ये बाइक को कैसे अंदर दिया जाने, वो कैसे गए अंदर, काम करने वाले है क्या? नहीं, क्या अभी एक बाइक गया,
मेरे को मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। स्कूल के टाइम पे तो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थी मैं ये देखने के लिए, बट अभी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने को। शांति रहेगा रे वहाँ, वहाँ पर ज्यादा मैं आवाज से ऐसे मतलब चिल्ला नहीं सकती ना ना क्रोनोस, शांति मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा तुम लोग से मैं बात करूंगी सर, धीरे धीरे बात करूंगी मैं, बट चिल्ला के बात नहीं कर सकती जैसा मैं अभी कर रही हूँ। अभी तो क्या इधर कोई है नहीं, एकदम शांति है, चल रही हूँ तो बात कर रही थी तुम लोग से। ठीक है, वहाँ पर जाके मैं वीडियो बताती हूँ। अभी आला सुपर से यहाँ आने के टाइम पे ना स्कूटी में इतना ज़्यादा मेरा पूरा बदन इतना ज़्यादा दुख रहा है ना, क्योंकि ऐसा बोलते ना टूट गया मेरा ऐसा गला, ऐसा महाराष्ट्र के रोड। हाँ सच्ची में मेरा ऐसा गला ना इधर से अकड़ रहा था, फिर बाद में मैं ऐसा करके बैठी थी, ऊपर से इसका भार वो अलग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हैवी है हम लोग का हेलमेट। तो गाइस हम लोग पहुँच ले आए हैं, चलो मैं अभी दिखाती हूँ तुम लोगों को। तुम लोग स्टेशन से आते हो ना तो 4 नंबर का बस पकड़ो, तो ये ना सीधा तुम लोगों को पकौड़ा लेकर आएगा, पकौड़ा बोल रहे सॉरी। सो अभी ना क्रोनोस ने बस में जाकर पूछा कितना प्राइस होता है, क्या टाइम है। क्रोनोस बताओ ना इन लोगों को। तो 21 रुपीज बस फेयर है, मॉर्निंग का 6 o'clock का बस है एक भाईंदर स्टेशन से, फिर हर एक एक घंटे में एक एक बसेज है, सेम गोज हियर, इधर भी एक एक घंटे में एक एक बसेज है। तो हो गया फेयर कितना मालूम है, 21 रुपीज है, ठीक है एक जन का। गाइस मैं पहुंच गई, ये देखो पहुंच गए यहाँ पे, मैं सामने से बताती हूँ एक मिनट। अभी एंट्री नहीं है, 9 बजे का है ना, तो 9 बजे ही हम लोग को अंदर जाने देंगे। This is just beautiful. तो गाइज यहाँ पे ना बेल बजा सकते हैं, मैं अभी वहीं पे जा रही हूँ। एक बहुत ही बड़ा So, ये है, तो इससे ना बजाने होता है, मैं अभी करती हूँ रुको। गाइस अगर यहाँ पे कोई बात नहीं करेगा ना इतना ज़्यादा शांति है ना, तुम लोग को सारे मतलब बर्ड्स की आवाज़ सुनाई देंगे, और पता नहीं यहाँ पे कुछ तो मंत्र चालू है वो भी एकदम क्लियर सुनाई देगा। बहुत ही शांति है, मतलब कितने सारे लोग आए हैं यहाँ पे फिर भी इतना ज़्यादा चिक चिक नहीं लग रहा, क्योंकि सब ऐसे स्लोली स्लोली बात कर रहे हैं, मैं भी स्लोली बात कर रही हूँ। चलो ऊपर का दिखाती हूँ अभी। अगर अंदर जाना है तो गेट नंबर 7 से जाना होता है, जो भी सिक्योरिटी गार्ड बैठे रहते हैं ना इनसे तुम लोग जाके बिंदास पूछ सकते हो कितने बजे अंदर जाना है, कहाँ से जाना है सब। मैं थोड़ा सीढ़ी नहीं चढ़ जाती हूँ कि मैं ऐसे हाँफने लगती हूँ, बुढ़ी हो गई हूँ क्या? हाँ ठीक है चलो चल, अनहेल्दी नहीं मैं बहुत हेल्दी हूँ। ये है गेट नंबर 7, यहाँ से अंदर जाना होता है ठीक है, बट तब तक मैं तुम लोगों को ये सब बता देती हूँ फिर अंदर जाऊँगी, क्योंकि अंदर एकदम मेन रहेगा ना, तो मैं आजू बाजू का सब बता देती हूँ। यहाँ पे चप्पल रख सकते हो तुम लोग। क्रोनोस मैं वहाँ पे जाके आती हूँ। हाँ वैसे यहाँ पे कुछ थकान हो नहीं रहा है, इतना ज़्यादा धूप तो है बट धूप इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है मेरे को, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके, क्या इतना शांति है ना। सो गाइस यहाँ पे एक है ना व्हील ऑफ धर्मा है जो कि रोटेट होता रहता है,
धम्मा चक्का पवतन, ये देखो ये ना ऐसे घूम रहा है, देखो अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे ना तो घूम रहा है, ठीक है। नाव कहाँ जाऊँ, हाँ यहाँ पे और एक चीज़ है जो मैं तुम लोग को बताती हूँ, मैं पूरा घूम रही हूँ मस्त। क्रोनोस वहाँ पे बैठ चुके हैं तो मैं ये दिखाती हूँ तुम लोग को, आकाश देवी, आकाश देवता, एंड ये बीच में क्या है पता नहीं क्या लिखा है, रुको एक मिनट में पढ़। ओके ये है देवता रेनो, फिर ये है आकाश देवता, फिर से आकाश देवी, ये मस्त बनाया ना। पीछे से ये ऐसा दिखता है देखो, सारे वीडियोस में ना मैं ज़रा सा भी म्यूज़िक नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग वो फील करो कि इतना शांति है ना, इतना मतलब तुम लोग को ईगल का तक आवाज़ आ रहा है, इतना ज़्यादा शांति है यहाँ पर, और वो ईगल बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग को वो मतलब फीलिंग ही ना आए, ऐसा लगना चाहिए ना कि तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो सब जगह पर, राइट। तो अभी ये है, ये क्या है, हाँ गार्डन में जा नहीं सकती क्योंकि गार्डन गीला हुआ है, गीला है अभी जस्ट धोया है, बट यहाँ पे भी मस्त है, यहाँ पे स्टोरी सब लिखी हुई है तुम लोग पढ़ सकते हो। ये सारे अलग अलग एंट्री पॉइंट्स है, देखो यहाँ से भी एंट्री है, अभी मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ से मैं एंट्री कर सकती हूँ, जहाँ पे क्रोनोस से यहाँ पे ना बैठे हुए हैं। तभी मैं सोचूँ कि ये जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, ये इन लोग इतने शांत मन के, इतने ज़्यादा पीस में कैसे रहते हैं, क्योंकि वही रहते ही ऐसे जगह पे है जहाँ पे इतना शांति है, मतलब मेरे को तो क्या ही मज़ा आ रहा है ऐसे ऐसे शांति में। ज़्यादा टाइम रहने होता है कि नहीं नो आइडिया, बट अभी अंदर जाते हैं, ठीक है। गाइज हम लोग अंदर तो आ गए हैं, ये क्या है बीच में दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ऐसा क्या ऑडिटोरियम जैसा है क्या, अरे आप आओ ना अंदर इधर। अच्छा सॉरी, ये मेरा पैर फिसल रहा है सॉक्स पहना है ना, वो बीच में क्या है देख जा नहीं सकते, मुझे नहीं लगता जा सकते। आई थिंक यहाँ पर उन लोगों का कुछ ओकेशन रहता है ना, मेडिटेशन फेस्टिवल ऐसा ये बोल रहा है, वो यहाँ पे होता है। बहुत कितना शांति है ना, मैं अभी आवाज़ नहीं करूँगी, देखो क्या ही बना है? देखा मैंने आवाज़ नहीं किया तो ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रहा था, इतना ज़्यादा शांति है। आई थिंक स्कूल के टाइम पे हम लोग को वहाँ पे अंदर जाने दिया था या नहीं दिया था याद नहीं है, मैं बहुत छोटी थी। बैठे और यहाँ कुछ लोग वहाँ पे ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हैं, हम लोग को शायद दिखाई नहीं देगा। एंड आई थिंक ये मिरर उसी के लिए है कि बाहर का आवाज़ अंदर ना जाए ताकि उनकी शांति भंग ना हो। वो अंदर कुछ लोग, अच्छा फिर बाद में वहाँ पर गेट पर दिखा रहे हैं। अच्छा ऐसे ही आके उधर नहीं जा सकते, उसके लिए ऑनलाइन रेडी। एंड वो एक दिन पहले करना पड़ता है सब कुछ। गाइज अगर तुम लोग को यहाँ पे मेडिटेट करना है ना तो 15 डेज पहले ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, तो अंदर जाकर तुम लोग मेडिटेट कर सकते हो और दो तीन बार भी कर सकते हो, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टाइमिंग का वो बोले उनको आइडिया नहीं है ना, टाइमिंग नहीं पता ना, टाइम लिमिट है शायद बट आइडिया नहीं है, टाइम लिमिट हो सकता है उसका आइडिया नहीं है क्योंकि इनको ही नहीं पता है, जो सिक्योरिटी भाई बैठे हुए थे ना उनको ही नहीं पता है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ पे वहाँ पे और एक है वो देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मे आई एंड मे द वर्ल्ड बी फ्री फ्रॉम एजिटेशन, दिस इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज़ प्योर धर्मा, जिसको भी हिंदी में पढ़ना है उसके लिए। मैं भी व्याकुल ना बनूँ, जगत विकल ना होए, जीवन जीने की कला सत्य धर्म है सोए, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आके तुम लोग पढ़ सकते हो मस्त। देखो इनको इनका अलग ही, इतना आगे जाके कर ये क्या कर रहे हैं कर क्या रहे हैं भगवान जाने। देखो बहुत लिखा हुआ है, मतलब आजू बाजू सब यही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तुम लोग पढ़ सकते हो। पार्डन ऑल, मे ऑल पार्डन मी, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल आर माई फ्रेंड्स, जो तुम लोग मेरे हो ही मेरे साथ ही, आई हैव नो एनिमीज। ये क्या है क्रोनोस,
ये क्या है? उन लोग के रहने का है। अच्छा इधर लिखा हुआ है, लेट्स रीड दैट। हाँ अंदर एसी हो सकता है, पूरा बंद है। स्टे के लिए है क्या? स्टे भी करते होंगे लोग, क्या मालूम। के ये है गुरुजी निवास, तो जो गुरुजी होते हैं ना उनका निवास सेंटर है। तो ये देखो इधर लिखा हुआ है धम्मा पट्टाना विपासना सेंटर, तो यहाँ पे गुरुजी विपासना करते हैं। सो गाइज वो अंकल ने तो वीडियो निकालने को मना कर दिया, बट वो अंकल ने जो भी बोला ना वो मैं तुम लोग को बताती हूँ इजी इसमें। सो कैसा है ना कि dhamma.org, dhamma DHAMMA ना, dhamma.org में तुम लोग को जाके, अगर तुम लोगों को मन शांत नहीं है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि पीस की ज़रूरत है थोड़ा, तो ये वो उसमें जाकर तुम लोग को रजिस्टर करना है, फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद ना 12 दिन तुम लोग को यहीं पे रहना है। तो ये जो सेंटर तुम लोग को पीछे दिखा था ना वो सिर्फ गुरुजी का नहीं है, वो उन सब के लिए है जो आते हैं। तो अभी जितने भी पगोड़ा में जो भी सेंटर्स है ना वो कहीं पे भी लग सकता है। तो जब तुम लोग उसमें जाके अप्लाई करते हो तो तुम्हारा जो भी नज़दीकी ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, सेंटर रहता है ना, वहाँ पर तुम लोगों को 12 दिन के लिए स्टे करना होता है। 10 दिन का मौन व्रत होता है, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना है। और फर्स्ट डे तो क्या, फर्स्ट डे जीरो डे माना जाता है। तो उसी के उस दिन तो सब फॉर्मेलिटीज़ होता है, बट उसके रात से मेडिटेशन वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है जो भी तुम्हारे मन के शांति के लिए हो। तो ये 12 दिन का रहता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए तुम लोगों को कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का भी मन शांत ना हो और तुम लोगों को ऐसे you know, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का और मतलब बोलते हैं ना एकदम माइंड को पूरा शांत करना है, तो तुम लोग उसमें जाकर अप्लाई कर सकते हो dhamma.org, ठीक है गाइस। हाँ ये एक कोर्स जैसा है जिसमें तुम लोगों को अपने क्या बोलते हैं इनर पीस को कैसे ढूंढते हैं और मन शांत रखने का कैसे सिचुएशन के हिसाब से, ये सारी चीज़ें तुम लोगों को अंदर सिखाई जाएगी, ठीक है गाइस। तो बात नहीं करना कैसे कैसे? हाँ बोला ना मैंने, बात नहीं करना है 10 दिन तक, 10 दिन ना, बात 12 days, तो 12 days बेसिकली पकड़ के चलो। हाँ 12 days के इसमें वो अंकल बोले 10 दिन बात नहीं करना होता, मौन व्रत होता है, एंड देन उसके बाद टोटल 12 days पकड़ के चलो। 10 दिन बिल्कुल भी बात नहीं करना है, ना इशारों से बात करना है, ना लिख के बात करना है, मतलब यहाँ पर स्कोल्ड नहीं करते हैं। तो सिंपल, अगर आपने बात करते हुए अगर आपको किसी ने पकड़ा तो उन लोग सामने आएंगे ना, आपके सामने हाथ जोड़ के खाली स्माइल करते हैं, तो विच मीन्स आप लोगों को समझना है कि आपने कुछ गलती की होगी करके। सो वो वापस नहीं करना है। सो यहाँ पर बेसिकली वही है कि आप लोगों को इनर पीस मिलना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक अगर मन अशांत है तो आई थिंक एक 10 से 12 दिन अगर हम लोग यहाँ बिताते, अगर किसी से बात नहीं करते एंड देन सिर्फ मेडिटेट करते रहते हैं एंड देन लाइक सब अपने अंदर के इसको समझते, अपने अंदर के एग्रेशंस को सब शांत करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बिकॉज इवेंचुअली ये पूरा प्लेस इतना ज़्यादा शांत है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फैक्टर है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल फैक्टर है। ओके एंड या वही कि ये नेचर के बीच में बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग सिर्फ यहाँ पर आके अगर इतना पीसफुल अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अगर 10 से 12 दिन अगर हम लोग यहाँ पर स्पेंड करते हैं तो विच वो बहुत एक कम्प्लीटली चेंज इन लाइफ आ जाएगा, मे बी बहुत ज़्यादा चेंज ला सकता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। आज फर्स्ट टाइम क्रोनोस इतना ज़्यादा कैमरा में देख के तुम लोग से बात किए, मतलब समझ जाओ थोड़ा तो पीस इनको भी मिला है इधर आके। अभी हम लोग इधर थोड़ा सा ऐसे ही बैठेंगे क्योंकि बहुत ही शांति है ना, तो अच्छा लग रहा है इधर बैठने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा सा बैठेंगे। मेडिटेशन वहाँ पे 15 मिनट्स का कराया जाता है बोलते हैं, बट 10 मिनट्स का कराते हैं बोलते हैं। अभी देखते हैं हम लोग वहाँ पे जाके मेडिटेट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सांस कैसे लेते हैं अंदर, मतलब वो कराते ना वो योगा टाइप वैसा कराते हैं। मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरी सर्दी निकल जाएगी। सो वो तो नहीं जा रहे क्योंकि उनको सर्दी हो गई है, वो नहीं जा रहे, तो मैं भी नहीं जा रही क्योंकि वहाँ पे अकेले बैठ के क्या करूँ। सो यस गाइज, ये प्लेस एक बार तो लाइफ में तुम लोगों को विजिट करना चाहिए। ये ही नहीं बोलूंगी, कोई भी ऐसा पगोड़ा रहेगा ना तुम लोगों को विजिट करना ही चाहिए, क्योंकि मैं जब हम लोग डिसाइड करते हैं आप लोगों को सिर्फ अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद डेट और लोकेशन, आपको मैसेज या कॉल आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा, हु नोस उन लोग के प्रोसेस के हिसाब से, एंड देन उन लोग आपको आपके सिलेक्टेड
प्लेस के हिसाब से जब भी अवेलेबिलिटी रहेंगे उन लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे एंड तभी आपको अपने सारे कपड़े वगैरह सब लेकर पहुंचना है बस। कोई फीस नहीं है ये कोर्स का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। खाली आपको अगर कपड़े वगैरह धुलवाने हैं तो शायद उसका एक डिपॉजिट रहेगा 500 रुपीज़ के आसपास, एंड देन डिपॉजिट में से आप जब भी धुलवाते हो तो उसके पैसे कट होते जाएंगे एंड देन इवेंचुअली जो भी रहेगा 10 डे में उसको रिएम्बर्स, जो भी रिएम्बर्स मतलब अगर समझो तुमने 500 दे दिए, 500 पे किया और 500 में से 300 खर्च हो गए तो 200 रुपए है ना वो तुम लोग को वापस से मिलेगा, इन लोग इधर रखेंगे नहीं अपने पास, सो उसका टेंशन तुम लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ही शांति से बैठती हूँ, फिर तुम लोग से बात करते हो, ठीक है? सो गाइस कम से कम 2 घंटा जाएगा। क्या बात कर रहे हो? सो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, 10 मिनट हो गए, हम लोग 10 मिनट तक थोड़ा सा ऐसे ही बैठे थे ऐसे शांति से। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, मतलब ऐसा पेट से ना सुबह सुबह गुड़गुड़ो, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग 7 बजे को निकले घर से, राइट? तो उसके बाद हम लोग ने कुछ ब्रेक लेके कहीं पर रुक के खाए नहीं थे, तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगा है, तो सबसे पहले तो पेट पूजे करने गए हम लोगों को। उसके बाद हम लोग को ओला इलेक्ट्रिक को चार्ज करना पड़ेगा मीरा रोड जाके, क्योंकि इतना गंदा चीज़ है कि मीरा रोड से विरार के बीच में कोई भी एक चार्जिंग सेंटर नहीं है, तो हम लोग के स्कूटी को कैसे ना कैसे चार्ज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया ना तो हम लोग घर ही नहीं पहुंच पाएंगे, और रास्ते में हम लोग को चला के लेके जाना पड़ेगा या फिर टो करके लेके जाना पड़ेगा, जिसका ज्यादा खर्चा होता है। बड़ी कंपनी हो के भी हाइपर चार्ज का स्लॉट खाली एक ही है मीरा रोड से विरार के बीच में, स्लॉट भी एक ही है, अगर सेंटर तो एक ही है एंड सेंटर में भी स्लॉट एक ही है, तो अगर एक गाड़ी आती है तो वो एक ही बार में चार्ज कर सकते, मतलब एक ही गाड़ी चार्ज हो पाएगी, दूसरा अगर चार्ज करना रहेगा तो उसको आई थिंक रेगुलर चार्जेस करने पड़ेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज ओला को चार्ज होने को एटलीस्ट 4 to 4.5 hours लग जाता है 0 to 100 चार्ज होने के लिए, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। यस, तो अभी हम लोग को वहाँ पे जाना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहले पेट पूजा के लिए कुछ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे ओला को चार्ज करने के लिए, वहाँ पे 2 घंटा लग सकता है शायद चार्ज होने के लिए, फिर हम लोग ये डालेंगे और निकलेंगे घर के लिए। गाइज मैं तो बोलूँगी तुम लोगों को एक बार तो यहाँ पर आना चाहिए, तुम लोग बस से आ सकते हो, जैसा मैंने बताया 4 नंबर बस मिलता है स्टेशन से, भाईंदर स्टेशन से ना, हाँ भाईंदर स्टेशन से 4 नंबर का, भाईंदर स्टेशन वेस्ट से, भाईंदर वेस्ट से 4 नंबर का बस मिलता है, या फिर तुम लोग बाय रोड आ रहे हो तो तुम लोग बाय फेरी भी आ सकते हो, या फिर तुम लोग ये बड़ा वाला रास्ता लेके भी आ सकते हो जो मीरा रोड से ऐसा पूरा सर्कल मार के आता है। अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, और एक चीज़ तुम लोग को इन्फॉर्म करना चाहूँगी, अगर तुम लोग अभी मतलब अभी के टाइम पे 6-7 महीने तक अगर तुम लोग ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो तो विरार से बहुत मतलब मैं तो बोलूँगी निकलो ही मत, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, क्योंकि वहाँ पे ना सब हाँ ट्रेन में आओ वरना नहीं निकलो, गाड़ी वाड़ी लेके तो मत ही निकलो, क्योंकि ना रास्ता पूरा एकदम पैक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे रास्ते और काम चालू है ना तो नहीं जा पाते, इसलिए गोल्डन पगोड़ा से बाहर निकलोगे ना तो यहीं पर एक छोटा सा ऐसा शॉप है, तो तुम लोग को अगर भूख वूख लग रहा होगा ना तो तुम लोग यहाँ पे जा सकते हो, अभी मैं वहीं जा रही हूँ, मेरे को बहुत फट्टे भूख लगा हुआ है। क्या क्या है वड़ा पाव? मैं तो वही खा रहा हूँ, पूछो तो एक बार क्या क्या है। वड़ा पाव ही चाहिए। मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आज का वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा। मेरे चैनल पे सबसे नया है, हाय गाइस, आई एम देसी मुर्गी, चार्ज बोल रही हूँ मैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस गोल्डन पगोड़ा देख के हो गया, अभी हम लोग घर के लिए नहीं एक्चुअली चार्ज करने निकल रहे हैं, फिर उसके बाद घर ही निकलने वाले हैं। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, क्योंकि और ऐसे मज़ेदार वीडियोस आने वाले हैं। मैं मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो बाय, बोलो बाय, बोलो ना, अरे क्या शर्म क्या आता है यार, मेरे को तो नहीं आता, बाय।